अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईपीसी का जो सा है वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे आईपीसी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने समरी, पिछले ट्यूटोरियल में हमने समरी क्रिएट की थी। तो समरी से अगर हम आईपीसी फॉर सिविल वर्क या मैकेनिकल या कोई भी पर्टिकुलर वर्क जो सा है हम उसके मुताबिक ही इसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसको तैयार कैसे करते हैं, शुरू में जो सा है वो प्रोजेक्ट नेम आता है, यहाँ पे क्लाइंट नेम, कंसल्टेंट नेम, कॉन्ट्रैक्टर नेम आता है। फिर यहाँ पे हमने मंथली पेमेंट स्टेटमेंट नंबर वन देना देना होता है कि ये नंबर वन है, नंबर टू है, ये नंबर थ्री है। ठीक है, जो भी पे आईपीसी नंबर है हम वो यहाँ पर देते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है सीरियल नंबर है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये है कि हमने कौन कौन सा काम जो सा है वो हमने इस महीने में किया है। तो ये टोटल वर्क जो सा है वो हम वो बताएंगे कि ये टोटल वर्क हमने इस माह में किया है। तो उसके बाद यहाँ पे ये ओरिजिनल कॉस्ट जो सा है ये हमें उसमें से मिलेगी, बीओक्यू में से मिलेगी, बिल ऑफ क्वांटिटी में से। तो वहाँ से हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो उसके बाद एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज हैं, टू डेट है, फिर उसके बाद प्रीवियस है और दिस आईपीसी है। ठीक है, तो ये जो अब काम हुआ है वो वाला काम, टोटल काम जो उनसे है, फिर उसमें से प्रीवियस काम को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस मंथ हमने कितना काम किया है। तो हमने ये वैल्यू कैसे पुट करनी है, हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। तो फिर हम जाएंगे एक्सकवेशन की समरी पर, और ये देखें ये वाला काम है, और यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है, ये सारी की सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और इसका यूनिट ट्रेड जोन सा है वो यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ये हमारे पास क्वांटिटी है और ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, इस क्वांटिटी को पर के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेट के मुताबिक परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट हमारा काम हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने पीसीसी कंक्रीट के लिए आना है। तो हम यहाँ पे समरी पीसीसी में जाएंगे, पहले हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पे समरी ऑफ पीसीसी में जाएंगे, और यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है हम इसको जो है वो यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, और इस तरह से ये वाली वैल्यू भी जो है वो चेंज हो गई है। देन फिर हम यहाँ पर आएंगे, तो आरसीसी पर जाएंगे, और आरसीसी में जाने के बाद हमने इसको कॉपी करना है। पहले हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, आरसीसी डेट वैल्यू देन एंटर। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रीवियस वर्क होता है, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, प्रीवियस वर्क हमने ऐड करना था, तो प्रीवियस वर्क हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे आएगा इक्वल, हम जाएंगे यहाँ पर पहले, तो प्रीवियस वर्क हमारा सिफर है, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, तो जाएंगे पीसीसी पर और ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और जाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो सा है वो समरी के अंदर ही प्रीवियस वर्क चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी जो सा है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे परसेंटेज का जोन सा है वो डिफरेंस था, तो ये वहाँ पे फॉर्मूला सही नहीं था लगा हुआ। तो यहाँ पे जो परसेंटेज जो है हमारी, वो जो टोटल काम हो चुका हुआ है वो, और जो ओरिजिनल जो काम है, जो ओरिजिनल जो क्वांटिटी है, टोटल काम है, तो उन दोनों को आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, इस तरह ये वाली वैल्यू भी जोन सी है वो इन दोनों को डिवाइड करके, और ये वाली वैल्यू भी इस तरह इन दोनों को डिवाइड करके।
जितना काम हो चुका है वो तो डिवाइडेड बाय टोटल काम मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से ये क्वांटिटी इसकी बन जाएगी। तो ये जो सा है यहाँ पे, ये टोटल काम है इसका, जितना टोटल परसेंटेज में काम हुआ है ये टोटल परसेंटेज इसकी आ जाएगी, ठीक है, कि ये इतने परसेंट काम हुआ है। उसके बाद इसके नीचे सिग्नेचर्स आते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्वांटिटी सर्वेयर का सिग्नेचर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर के आएंगे और कंसल्टेंट क्यूएस के आएंगे। फिर कंसल्टेंट की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने आईपीसी नंबर वन जो है हमने इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम ये पुट करेंगे, क्योंकि जितने ये प्रोसेस किए हैं हमने ये आईपीसी नंबर वन बनाने के लिए कही है। तो हम इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं कि शुरू में सबसे पहले क्लाइंट नेम आता है, फिर कंसल्टेंट आता है, इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट नंबर वन, आईपीसी नंबर वन है ये, जितने भी इसका नंबर होगा आईपीसी नंबर वन टू थ्री, इस तरह हम इसका यहाँ पे नंबरिंग देंगे। फिर प्रोजेक्ट का नेम आएगा, कॉन्ट्रैक्टर नेम आएगा, फिर इसके बाद जो सा है वो इंजीनियर ऑफिसर, और इसका जो सा है वो ड्यूरेशन आएगा कि ये किस ड्यूरेशन की है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट यहाँ पर आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन वैल्यू ऑफ दी वर्क डन है, यहाँ पर वर्क डन आएगा कितना वर्क हुआ है, ठीक है, प्रीवियस वर्क आएगा और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा। फिर यहाँ पे इंटरिम पेमेंट जो है, यहाँ पे पेमेंट जितनी अब जितनी टोटल पेमेंट हो गई है वो, तो इसमें टोटल इसमें से जो प्रीवियस पेमेंट हो गई है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो इसकी अब की पेमेंट आ जाएगी, मतलब कि टोटल काम और इसमें से जो पहले पहले काम हो चुका हुआ है जिसकी पेमेंट हो चुकी हुई है वो यहाँ पर जो है वो काम यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों में से माइनस करके फिर अब के काम की जो टोटल क्वांटिटी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो सा है वो जितने जितने टोटल पैसे हैं, ठीक है, बनते हैं जितने टोटल काम के पैसे बनते हैं तो वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ में से फिर यहाँ पर जो काम के पैसे दे चुके हुए हैं उन वो यहाँ पर आएंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। फिर इसके नीचे जो सा है वो यहाँ पर इसके सिग्नेचर आएंगे इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव के,